वेलोसिटी में जब चेंज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है और वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हमारे पास एक्सेलरेशन भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमारे पास क्या बना? v डिवाइडेड बाय t। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v डिवाइडेड बाय t और v हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। और टाइम का क्या है? सेकेंड। सो पर सेकेंड ऑलरेडी है और जब ये एक और सेकेंड भी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, तो एक्सेलरेशन हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं हम इसे। ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला है वी डिवाइड बाई टी और इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आते हैं हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पर। तो ये हमारे पास एट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। नंबर वन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर टू वेरिएबल एक्सेलरेशन, नंबर थ्री एवरेज एक्सेलरेशन, नंबर फोर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नंबर फाइव रेडियल एक्सेलरेशन, नंबर सिक्स लीनियर एक्सेलरेशन, नंबर सेवन पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नंबर नाइन नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एट टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन है। अभी हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और विथ एक्सप्लेनेशंस एंड एग्जांपल्स। बॉडी तब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होगी जब इसमें इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आएगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ एक जैसा, मतलब फर्स्ट फाइव सेकंड में हुई एग्जांपल दूंगा कि फर्स्ट टेन सेकंड में जब चेंज इन वेलोसिटी भी 5 मीटर पर सेकंड है और अगले 10 सेकंड में भी वही 5 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? द बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी ऑकर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल, अगर फर्स्ट 10 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है और अगले 10 सेकंड में फिर 15 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी वेरीज कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन। द बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। पहले इसकी वेलोसिटी ये थी, उसके बाद इस पॉइंट के आगे इसकी वेलोसिटी ये थी, इस पॉइंट के आगे इसकी वेलोसिटी। वेरिएबल एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन। टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका फॉर्मूला भी उसी तरह है, वी डिवाइडेड बाय टी। जब टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम हम करते हैं तो हमें क्या देगा? एवरेज एक्सेलरेशन देगा। जब हम टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे तो ये हमें क्या देगा? एवरेज एक्सेलरेशन देगा। अच्छा, एवरेज एक्सेलरेशन के बाद हमारे पास आता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट instant is called instantaneous acceleration. The acceleration of a body at any particular instant, एक particular instant पर body की जो acceleration होगी उसको हम क्या कहेंगे, instantaneous acceleration. एक point पर, एक point पर body की जो acceleration होगी उसको हम क्या कहेंगे, instantaneous acceleration. इसका mathematical form है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वी डिवाइडेड बाय टी, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है. अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियल एक्सेलरेशन. The acceleration which produced due to change in direction is called radial acceleration. Is produced due to change in direction. Of velocity. Velocity की direction में जब change आता है उसकी वजह से जो acceleration produce होता है इसको हम क्या कहते हैं, radial acceleration कहते हैं. Radial acceleration हम उसको कहते हैं जब velocity के direction में change आता है और body में acceleration produce होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, radial acceleration. इसके बाद हमारे पास आता है लीनियर एक्सेलरेशन. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड due to change in magnitude of velocity is called linear acceleration. जब change in magnitude of velocity, velocity के जब हम magnitude change करते हैं या velocity के magnitude जब change होता है और body में उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन. फॉर एग्जांपल बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी और उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड पे 20 मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन. लीनियर एक्सेलरेशन के बाद आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. The time rate of increase of velocity is called linear acceleration.
टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, जब वक्त के साथ साथ वेलोसिटी में इंक्रीज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन the time rate of increase decrease velocity is called, जब वक्त के साथ velocity में decrease आता है, velocity कम हो रही हो वक्त के साथ साथ, तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इसमें एक्सेलरेशन में हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। एक्सेलरेशन हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें वेलोसिटी इन्वॉल्व है, वेलोसिटी की बात करते हैं हम, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। और इसके बाद हमने इसके टाइप्स पढ़े, फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है, और उसके बाद हमने पढ़ा वेरिएबल जब अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आता है। उसके बाद हमने पढ़ा एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन में हम टोटल एक्सेलरेशन डिवाइड, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम, उसे हमारे पास एवरेज एक्सेलरेशन आता है। उसके बाद हमने पढ़ा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जो पार्टिकुलर इंस्टेंट पर बॉडी की जो एक्सेलरेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो वी डिवाइड बाय टी। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा लीनियर रेडियल एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आता है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा लीनियर एक्सेलरेशन, जब बॉडी की वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आता है और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन वर्क के साथ साथ वेलोसिटी वर्क के साथ साथ इंक्रीज हो रही हो तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी वर्क के साथ साथ डिक्रीज हो रही हो उसमें हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।